हस्बैंड को रेंट कर सकते हो, वाइफ को रेंट कर सकते हो, आप इतनी बच्चों को भी रेंट कर सकते हो, टॉडलर को भी रेंट कर सकते हो। कोनिचिवा, यू आर माय डैड एंड यू आर माय मदर। सो नाउ माय नेम इज विष्णु सुजुकी। काफी आदि फनी मोमेंट बोल सकता है, फिर एम्बेरसमेंट हो रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। माँ बाप को रेंट करके बैठा हुआ यहाँ पे, क्योंकि उनको दिखाना सोसाइटी को कि हाँ हमारे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं, तो उस टाइम पे इनको हायर करके बुला लिया कि ये मेरे पेरेंट्स हैं। हैप्पी बर्थडे। ओके, सो माय मॉम एंड डैड, यू थिंक यू आर प्राउड ऑफ मी? जब बेइज्जती है तो इनको मेरी गर्लफ्रेंड या फिर मेरी वाइफ देखनी है, और मेरे हमारे बच्चे देख रहे हैं एंड पापा से। ओ माय गॉड यार, ये काफी फनी है यार। वन फैमिली हग। स्वागत है गाइस आप लोग का हमारे नए वीडियो में। तो कैसे हो सभी लोग, मेरा नाम विष्णु और आप लोग देख रहे हो हमारा चैनल वेंडरिंग मेनिया। आज भाई हम लोग अगेन काफी इंटरेस्टिंग वीडियो शूट करने वाले हैं। लास्ट टाइम जब मैं जापान आया था गाइस, तब मैंने जापान में जो गर्लफ्रेंड है उनको रेंट पे लिया था। एंड लिटरली रेंट पे लेने का मैंने वीडियो बनाया था, जहाँ पर मैंने उनको अलग अलग किस्म के सवाल कर रहे थे कि यार क्यों जापानीज लोग ये कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, क्यों जापानीज लोग गर्लफ्रेंड्स को रेंट पे लेते हैं। जब मैंने वाला वीडियो बनाया, उसके बाद मेरे को काफी इंटरेस्टिंग और ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में समझ आई यहाँ पे जापान में जो एग्जिस्ट होती है। एंड वन ऑफ द कंपनीज जो ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें करती है वो है रेंटल फैमिली की। आप बिलीव नहीं करोगे, ये एक लिटरली कंपनी बाय द नेम फैमिली रोमांस, जो कि जिसके बारे में जब मेरे को पता चला था मैं इतना ज्यादा हैरान हुआ था कि यार ये सारी चीजें भी एग्जिस्ट करती है जापान में। ये कंपनी में लिटरली हस्बैंड को रेंट कर सकते हो, वाइफ को रेंट कर सकते हो, फिर मदर फादर को कर सकते हो, आप लिटरली बच्चों को भी रेंट कर सकते हो, टॉडलर को भी रेंट कर सकते हो, सिस्टर को रेंट कर सकते हो, ब्रदर को रेंट कर सकते हो। तो जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं सभी को भाई आप इन कंपनी से भाई रेंट कर सकते हो। क्योंकि मैं सुनने में अगर मुझे लगे तो भाई कितने बेकार चीज़ है ये, मतलब स्पेशली फ्रॉम इंडिया अगर मैं बताऊँ, हमारे यहाँ फैमिली कल्चर इतना ज़्यादा होता है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे लोग क्यों ये सारा कुछ करते हैं। एंड यही चीज़ हम एक्सप्लोर करने वाले हैं आज के वीडियो में, जहाँ पर हम जाएंगे फैमिली को रेंट करेंगे एंड उनको पूछेंगे क्यों भाई ये चीज जापान में एग्जिस्ट करता है। गाइस यार अभी फिलहाल हम लोग, क्योंकि हम फैमिली रेंट करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग थोड़े बहुत केक्स वगैरह ले रहे हैं हमारे जो रेंटेड फैमिली है उनके उनको देने के लिए। सो दिस इज रेंसे गाइस, सो टुडे ही इज हेल्पिंग मी विद फिल्मिंग द रेंटेड फैमिली वीडियो। सो डू यू थिंक यू गाइस आर यूज्ड टू दिस, like renting a family stuff? I've never heard of this. Like I've heard of rent a boyfriend, rent a girlfriend, rent a family is like kind of new. So this would be new experience for you as well as a Japanese. भाई काफी excited हूँ यार, समझ नहीं आ रहा कैसा रहेगा। जो भी experience है जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ experience कर रहा हूँ, जहाँ literally भाई parents है उनको भाई rent पे लेने वाले हम लोग, देखते हैं कैसा रहेगा यार। अजीब रहेगा, कैसा रहेगा वो तो भाई मिलने के बाद ही पता चलेगा। अभी फाइनली जो ऑफिस है जहाँ पर हम लोग जो फैमिली रेंट करने वाले वो वाले प्लेस में फिलहाल आए हुए हैं। देख तो भाई इतना सुंदर भाई ये बिल्डिंग है यहाँ पर, फिलहाल जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड है। तो यार चलते हैं अभी अंदर, जो ऑफिस है ऑफिस के अंदर वो हमारा इंतजार कर रहे हैं जो सीईओ साहब है। तो भाई अभी भाई एंट्री लेने वाले हम लोग, देखते हैं भाई कैसा होता है भाई हमारा एक्सपीरियंस। नमस्ते, कोनिचिवा। ये भाई हमारा ऑफिस है जहाँ पर फिलहाल ये लोग भाई कंपनी चलाते हैं एंड है रिटर्न फैमिली रोमांस, देख सकते हो जो कंपनी का नाम है। ये हमारे फिलहाल सीईओ साहब जो कंपनी चलाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हम फैमिली रोमांस के सीईओ को पूछते हैं कि क्या रीजन थे एंड क्या ऐसी दिक्कत आ गई इन भाई साहब को कि ऐसी कंपनी शुरू करने की मजबूरी हो गई। आप रुके रहना, थोड़ी देर में मेरे किराए के पेरेंट्स भी आने वाले। सो द फर्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क हिम इज व्हाट मेड हिम स्टार्ट फैमिली रोमांस एंड व्हाई डिड ही think of this idea of starting a family rental company. तो यहाँ हमारे सीईओ साहब कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने एक सिंगल मदर की डिफिकल्टीज को नोटिस किया एंड उनके हस्बैंड के ना होने से उनको काफी सोसाइटल इश्यूज फेस करनी पड़ रही थी एंड इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने फैमिली रेंटल कंपनी शुरू करी, जिससे कि वो करंट जापानी सोसाइटी में बदलाव ला सके। फ्रेंड्स आई कैन यू आस्क हिम व्हाट इज द पर्पस ऑफ पीपल रेंटिंग अ फैमिली एंड फॉर व्हाट रीजंस Japanese people or whoever coming to his company rent from his तो यहाँ ये कह रहे हैं कि काफी रीजन है कि लोग फैमिली रेंटल सर्विस लेते हैं जापान में। जैसे अगर आपको शादी से पहले अपने फैमिली से मिलना है और आपके अपने फैमिली से नहीं बनती एंड वो नहीं आना चाहते, तो आपको शादी के पहले अलग अलग फैमिली मीटिंग्स एंड सेरेमोनीज करने में इश्यूज आ सकती है एंड इसीलिए लोग फैमिली रेंटल सर्विस से फेक मदर या फेक फादर से सारे मीटिंग्स कर लेते हैं। और जैसे बहुत बारी जापान में बच्चे अच्छे पेरेंटिंग एक्सपीरियंस नहीं करते एंड अगर आपको बेटर पेरेंट चाहिए या एक अच्छी पेरेंटिंग की फीलिंग एक्सपीरियंस करनी हो तो लोग हमारे सर्विसेज लेते हैं। ओके, आई हर्ड दैट फ्रॉम हिज पास्ट कंपनी एक्सपीरियंस
he was hired as a fake groom. Can you ask about that experience and how was it? First of all, यहाँ पर हमारे भाई कह रहे हैं कि इनकी एक अलग सर्विस है जहाँ पर ये फेक ग्रूम एंड फेक ब्राइड की सर्विस प्रोवाइड करते हैं. जापान में टैटूज एक टैबू है. अगर किसी हस्बैंड के गर्दन में टैटू हो तो वो गैंगस्टर वाली फील देती है एंड इसीलिए ब्राइड अपने हस्बैंड को अपने माता पिता से मिलवा नहीं सकती. तब लोग इनको हायर करते हैं एज ए फेक हस्बैंड जिससे कि वो उनके पेरेंट्स से मिल सके. भाई साहब बिलीव नहीं हो रहा, इन्होंने लिटरली 8 बार बोल रहे हैं कि फेक ग्रूम बने हुए शादी में. मुझे सच्ची बता रहा हूँ, जब ये बोल रहे हैं मुझे लिटरली समझ नहीं आ रहा, बट जैसे बता रहे हैं उसको देखकर मुझे हंसी आ रही है. कैन यू आस्क अबाउट हिज ओन फैमिली, लाइक डज ही हैव अ फैमिली, इज ही मैरिड, और व्हाट्स अबाउट, व्हाट अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, इज ही ओके आंसरिंग? उनका क्वेश्चन है, ही इज नॉट मैरिड. ओके, बट व्हाई? कैन यू आस्क लाइक ही डोंट वांट टू मैरी, और यहाँ ये कह रहे हैं कि सभी इनको कहते हैं कि वो शादी क्यों नहीं कर लेते, एंड रीजन यही है कि वो खुद अभी 25 फैमिलीज के डैड हैं उनकी कंपनी के थ्रू. What? He has 25 family? Yeah, and 30 children. Oh my god. That's crazy. Oh my god. So around 25 family को ये already rent करते हुए जा रहे हैं. And एक तो family ऐसी है जहाँ पर ये कुछ I think जब 12 साल की लड़की थी उनकी, single mother थी उनकी 12 साल की लड़की थी, तब से वो as a dad उनको सर्विस दे रहे थे. एंड अभी कुछ अराउंड आई थिंक 22-23 साल की हो चुकी है, एंड अभी भी वो सोचती है कि ये जो हमारे ऋषि सर है वो उनके एक्चुअली डैड है, क्योंकि उनको लिटरली पता नहीं है कि ये एज ए सर्विस, एज ए रेंटेड सर्विस उनके डैड बने हुए हैं, बट उसको लगता है कि ये उनके असली पापा हैं. तो इतना क्रेजी है भाई. आपका फैमिली रोमांस, फैमिली रोमांस में स्वागत है. यार हमारे फैमिली मेंबर्स आ गए यार, यहाँ पे देख सकते हो. Konnichiwa. My dad, you are my dad. Yes. And you are my mother. Hello, konnichiwa. My name is Vishnu. Suzuki. Your name is Suzuki? Yes, very popular. And what about your name? My name is Suzuki. Your name is Suzuki as well? Bro, they're really? Parents. Yeah, both of them actually Suzuki. So, okay, so now my name is Vishnu Suzuki? Yeah. तो मैं अभी सुजुकी खानदान का हो गया भाई. हमारे पिताजी का नाम सुजुकी है, हमारे माताश्री का नाम भी सुजुकी है. सुजुकी जो है फैमिली नाम है. हाउ इज योर हेल्थ? एवरीथिंग गुड? योर हेल्थ? या. एंड व्हाट अबाउट हर? जो किंको जो होता है नहीं, मुंडे का नहीं. आई एम हेल्दी. वेरी गुड, वेरी गुड. आई एम हैप्पी टू. यार से मैं इतना एंबैरस फील हो रहा हूं मैं यहां पे कि लिटरली मैंने आई एम फ्रॉम कोलकाता. Kolkata. You know Kolkata? Yeah, I know. Yes. I visited several times. Perfect. Our office in Kolkata. Oh, what do you do? What do you wear? Airline. Yes. Which airline? Japan Airlines. Oh, हमारे पापा जी जापान एयरलाइन में काम करते थे, देख लो मुझे अभी पता चल रहा है. तो 24 साल का हो गया मुझे अभी पता चल रहा है. बट जो भी है यार, काफी आधी फनी मोमेंट बोल सकता है, फिर एम्बेरसमेंट हो रही है. मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या कर रहा हूँ मैं आज फिलहाल जापान में. ही लिटरली माँ बाप को रेंट करके बैठा हूँ यहाँ पे. जो भी है आप लोग देख सकते हो यार. तो हमारे यहाँ पे हमारे जो माताश्री एंड पिताश्री है, उनको पूछ रहे थे हम लोग यार क्या रीजन है कि लोग आपको हायर करते हैं. तो हमारे पिताश्री बोल रहे थे कि यार कि बहुत बारी ऐसा होता है कि जब शादी होती है एंड उनकी जो बच्चे हैं उनकी उनके पेरेंट्स की जब बनती नहीं है, तो ऑफकोर्स शादी के टाइम पर उनके पेरेंट्स नहीं आते हैं. एंड क्योंकि उनको दिखाना सोसाइटी को कि हाँ हमारे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं, तो उस टाइम पे शादी के लिए बुला लिया पेरेंट्स को, इनको हायर करके बुला लिया कि ये मेरे पेरेंट्स हैं. ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं इन लोगों को यहाँ पे जापान में. तो सोच सकते हो यार ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं हमारे इंडिया में. यार कितना बढ़िया हम जी रहे हैं, कितनी बढ़िया हमारी फैमिली होती है, पर तभी भी जापान में देख लो यार यहाँ पे लोगों के ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर लिटरली माँ बाप को लोगों को रेंट पे लेना पड़ रहा है यार. ओह माय गॉड. डू यू थिंक व्हेन यू become somebody parents like mother or father, you get attached to them? No. Okay. And does it ever happen that you are being given service many times to the same person, like repeat? No. Repeat. Okay. I have repeat. You have repeat? Mm-hmm. Okay. Two or three.
two times. Okay. तो इतना इंटरेस्टिंग है, देख सकते हो आप लोग ये कह रहे हैं कि लास्ट 5 से 6 साल से कर रहे हैं ये, एंड बहुत सारे फैमिलीज को ये मतलब रिपीट तरीके से भी उनका सर्विस देते हैं। तो हमारे जो माताश्री है वो अराउंड आई थिंक 3 लोगों को बोल रहे हैं रिपीटेडली इनको इनकी सर्विसेज उन्होंने दी है, एंड हमारे पिताजी का भी वैसे ही कुछ बोल रहे हैं, एंड लास्ट से 5 से 6 साल से ये कर रहे हैं ये लोग ये। तो हमारे जो मम्मी जी है वो अभी बता रही थी मेरे को कि एक्चुअली वे उनकी असली जिंदगी में उनकी एक बेटी है, तो उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है कि वो मेरे साथ अभी स्पेशल टाइम स्पेंड कर रही है। तो लिटरली भाई देख सकते हो लोग इतना ज़्यादा उन मतलब पर्सनल टच इसमें देते हैं लोग, जिससे कि एक्चुअली में जो फैमिली है उसकी ऐसा फील करवाते हैं ये, एंड दिस इज़ व्हाट मेक्स दिस थिंग सो स्पेशल। भले ये रेंटेड हो, भले ये टेम्प्ररी हो, बट जितने दिन के लिए भी है, फॉर एग्जाम्पल जितने भी टाइम के लिए हम स्पेंड कर रहे हैं टाइम, ये मेक श्योर करेंगे कि पूरी फैमिली वाली जो वाइब है वो दे आपको। इंटरनेट ओके तो मैं उनको पूछ रहा था कि यार इनको कहाँ से पता चला फैमिली रोमांस के बारे में, तो कह रहे हैं कि इंटरनेट से हमको पता चला। एंड हाउ डिड यू फील व्हेन यू थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक वाज इट ओके फॉर यू, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एज ए मदर, और हाउ वाज इट? आई वाज एक्साइटेड एंड नर्वस। आई लाइक दिस जॉब। ओह दैट्स सो नाइस। ओनली माय डॉटर नोस दिस वर्क। आह ओके। Nobody knows. okay. So, this job is very special. Special? Why do you say that? Nobody understand this concept. Yes. तो गाइज अभी फिलहाल बर्थडे है, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंड मेरे बर्थडे में मेरे मम्मी जी है, मेरे पापा जी है, और अभी हम लोग हमारा जो बर्थडे केक है उसको कट करेंगे। ये आई एम सो एक्साइटेड। Thank you so much. Suzuki mother. Thank you so much, my dad. I'm so grateful. And I feel so happy now that I have my parents. Now I turn 25. 25? Yes. 25. You want to eat it? Okay. Yes. Thank you so much. Arigato. अगर आप लोग बता दो तो हम लोग ने रिसेंटली हमारा फ्रीलांसिंग कोर्स लॉन्च किया है, जहाँ पर मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि आप लोग अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी कैसे शुरू कर सकते हो। अगर आप लोगों को नहीं पता तो गाइज मैंने मेरी पर्सनल जर्नी ट्रैवलिंग जर्नी फ्रीलांसिंग के साथ ही शुरू करी थी। मैंने इनिशियली फ्रीलांसिंग करके पैसे कमाए थे, उसी पैसे को यूज किया था मैंने मेरी यूट्यूब जर्नी शुरू करने के लिए। मैंने लास्ट के 5 साल में जो फ्रीलांसिंग करके सीखा है वही मैं आप लोगों को हमारे कोर्स में सिखा रहा हूँ, एंड इसी के साथ साथ मैंने इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को भी हमारे कोर्स में लेके आया, एंड इसी के साथ साथ मैंने मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजीज के बारे में बताया जिसको यूज करके आप पहले 3 महीने में कैसे 50,000 रुपए तक कमा पाओ। एंड गाइस ये सारा कुछ मैं आप लोगों को ऐसे ही नहीं बता रहा, ये सारा कुछ मैंने पर्सनली किया है, मैंने सब कुछ अचीव किया है, उसके बाद मैं आप लोगों को ये सारा कुछ सिखा रहा हूँ। आप लोगों को बिलीव नहीं होता तो आप लोग हमारे वेबसाइट में जाकर चेकआउट कर सकते हो, सारा डिटेल मैंने दिया है, क्या क्या हमने मॉड्यूल्स बनाए हैं, मॉड्यूल्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगे, सारा कुछ मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हमारे वेबसाइट में दिया है। एंड मेरे एक्सपीरियंस से बताऊं तो यार जो चीज मैंने सिखाया है मेरे कोर्स में वही चीज अगर आप मार्केट प्राइस से कंपेयर करो तो आराम से 25,000 से 30,000 रुपए आपको पे करना होगा जो चीजें मैंने आप लोगों को सिखाया है। एंड मैंने जो प्राइस रखा है वो शायद आप लोग के एक टाइम के खाने के बराबर है, एंड तभी भी अगर आप लोगों को मेरे बातों पे भरोसा नहीं होता तो आप हमारा कोर्स खरीदिए। जितना भी चीजें मैंने सिखाया है सारा कुछ सीखिए, देखिए, एंड सारा कुछ समझने के बाद अगर आपको लगता है कि मैंने आप लोगों को कुछ नया नहीं सिखाया या फिर आप लोग कुछ नया नहीं सीखे तो मेरे को बस आप एक मेल करो कि यार आपका कोर्स मेरे को पसंद नहीं आया, एंड मैं आपका पैसा तुरंत रिफंड कर दूंगा। ये कोई नहीं करता गाइस, एंड क्योंकि मेरे को मेरे जो मैंने चीज दिया है आप लोगों को उस पर इतना भरोसा है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, एंड मैं चाहता नहीं हूँ कि आपके साथ कोई धोखा हुए। तो आप खरीदिए, सब कुछ सीखिए, अगर आपको पसंद नहीं आया तो पूरा पैसा मैं आप लोगों को रिफंड कर दूंगा, एक सवाल भी नहीं पूछूंगा। तो जाइए कोर्स में एनरोल कीजिए, मैं आप लोगों को मिलता हूं हमारे कोर्स में। नाउ कंटिन्यूइंग इन द फैमिली रेंटल वीडियो। ओके सो माय मॉम एंड डैड, यू थिंक यू आर प्राउड ऑफ मी? डू यू थिंक वी आर होम प्राउड? व्हाई नॉट? ओह माय गॉड, मेरा जिंदगी सफल। ने
What do you want to say? You have to find a partner. Oh, I have to find a partner. Okay. Yeah, that's in the process. okay. तो यार ये तो proper हमारे parents ही हो गए ये. तो of course I'll try my best. तो इनको मेरी girlfriend या फिर मेरी wife देखनी है और मेरे हमारे बच्चे देख रहे हैं हमारे जो parents हैं जो मेरी मम्मी जी हैं. So in Hindi we say dad, papa ji. Papa ji. Really? And for mother we say mummy ji. Mummy ji. Kawaii. Kawaii. Papa ji. Cute. तो इनको भाई यहाँ पे हम हिंदी सिखा रहे हैं हमारे जापनीस. Papa ji. तो काफी excited हो गए. Mummy ji. आता skinny चट्टा. Is it funny? Is it? I like this one. Papa ji. Papa ji. Oh my god, yaar ye kafi funny hai yaar. Papa ji, you are really funny. Yeah. You're so funny. Oh my god. Mere papa ji 70 saal ke upar ho gaye yaar. Par excitement dekho unki ye umar mein yaar. Abhi filhal guys hum log yahan pe jo Odaiba karke jagah hai yahan pe Tokyo mein wahan par filhal aaya hai. Yahan pe thodi bahut sightseeing hai. Yahan pe jo Gangnam ka statue hai, bada sa statue ye dekhne ko mil jata hai. So hi dad and hi mom, are you excited to see this? Let's go. Gundam. Gundam, yes. Is the Gundam popular in your country? I think yes. Yes, okay. I think I'm sure not as popular as Japan, but it is popular. तो यहाँ पे फिलहाल देखो गंडम का भाई स्टैचू है काफी बड़ा है एंड यहाँ पे काफी सारे लोग भी आए हुए हैं. तो ये थी भाई हमारी फैमिली एंड ये हमारे मम्मी जी पापा जी. ओके बाय 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 बाय. वन फैमिली हग. ओके तो अभी हमारा जो भाई टाइम है वो ख़त्म हो रहा है. अभी हम अलग हो रहे हैं पर क्या कर सकते हैं, थोड़े टाइम के लिए थे हम लोग फैमिली एंड अभी हम लोग जो नॉर्मल लाइफ है उसमें भाई चेंज हो रहे हैं. अरे तो थैंक यू वेरी मच. ओके बाय बाय. थैंक यू. अरे तो थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. मम्मी जी पापा जी चले गए हमारे यार. बाय बाय. तो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस. अभी फिलहाल जो मेरा प्लेस जहाँ पे रुका हूँ वहाँ पे फिलहाल मैं टोक्यो में आया हूँ एंड अलविदा कहा हमारे फैमिली मेंबर्स को, हमारे मम्मी पापा, मम्मी जी को, पापा जी को. तो यार काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अजीबो गरीब एक्सपीरियंस बोलूंगा मैं, जो कि अगेन जो मैं लास्ट ईयर जब गर्लफ्रेंड को रेंट किया था तभी मेरा वैसे ही कुछ सिमिलर सा एक्सपीरियंस था. बट इस बारी मैंने जिंदगी में सोचा नहीं था कि ऐसे कभी कुछ ऐसा करूँगा मैं मेरी ट्रैवलिंग जर्नी में जहाँ पर मैं लिटरली मम्मी पापा को मैं रेंट पर ले रहा हूँ एंड वो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ. बट एनी वे सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि ये लोग जो है वो प्रोफेशनल एक्टर्स हैं तो इनको पता है कैसे भाई मेक श्योर करना है कि जो क्लाइंट है, फॉर एग्जांपल जो मैं हूँ, मेरे को सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस मिले. एंड ये सारे ट्रेंड होते हैं, इनको पता है कैसे सारी चीज़ें करनी होती हैं. इसीलिए आप जब उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो लिटरली ऐसा लगता है कि आप वो आपको फील करवाते हैं लिटरली कि आप फैमिली जैसे हो एंड आपको हक करेंगे, आपको टच करेंगे, जिससे कि जो टच कनेक्शन जिससे हो रहा है उससे भी जो इमोशनल कनेक्शन है वो बिल्ड होती है, जिस जो कि अगेन इस प्लेटफॉर्म को इतना इंटरेस्टिंग एंड यूनिक बना देते गाइस, जो कि अगर बाहर से सुनने को जाए तो कितना वियर्ड कॉन्सेप्ट लगता है पर वही जब आप जापान में आते हो एंड ये सारी चीज़ों को देखते हो तब समझ आता है कि भाई ये सारा चीज़ जितना भी एक्सपीरियंस कर रहे हो कितना क्रेजी लेवल पर हो रहा है. लास्ट के 13 साल से कंपनी चलाना मजाक नहीं है. लिटरली जो पेरेंट्स हमने रेंट किया था वो तो बोल रहे थे उनकी शायद कुछ 20 से 25 फैमिली है जिसको वो रेगुलर बेसिस पे सर्व करती हैं, जो कि क्रेजी है भाई. क्या चल रहा है दुनिया में यार, समझ नहीं आ रहा भाई. इंडिया जहाँ पर भैया बहुत बढ़िया है, आई होप कि इंडिया भाई जहाँ पे फिलहाल जापान है वो सिचुएशन तक कभी ना पहुँचे और ना ही कहीं पहुँचने की ज़रूरत पड़े. जो लोनलीनेस है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस चीज़ है यहाँ पे जापान में एंड उसी वजह से ये सारे जितने भी प्लेटफॉर्म से वो आपको देखने को मिलती है. बट एनीवेज ये था मेरा एक्सपीरियंस रेंटिंग ए फैमिली इन जापान. आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना कि आप लोग कैसा लगा वाला वीडियो एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. अनटिल देन खुश रहिए, अपने आसपास लोग खुश करिए एंड आई विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो.